नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। ओडिशा किचन को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज मु बनेबी सोरिष फुलरे आपण मानक पई बुडे बहुत ही टेस्टी डेलीशियस आइटम। ए सोरिष फुलटा खास करके डिसेंबर आ जनवरी मासरे खास करके मिले, कहीं ना ए टाइम रे सोरिष गछरे फुल प्रचुर मात्रा रे फोटी थाए। सोरिष फुल सहित मुझे कौन देखो कि डेम्फ अच्छी सोरिष फुल सहित, आई डेम्फ गुड़िक जेहेतु कौनिया अच्छी तेणु मुझे डेम्फ को मध्य यूज करी। तेरे चलत तो देखने आज सोरिष फुल टेस्टी रेसीपीटी को एपटे नहीं जाइए मुझे कड़ई आ कड़ई गरम होदेह मुझे आड करदेवि दुई चमच मापर तेल। तेल गरम होगला हाफ चमच जीरा, जीरा टिके फुटे गला परे मुझे गोटे पिंच हिंगू डाल दौची। हिंगू आ सोरिष फुलर कम्बिनेशन टा बहुत बढ़िया आसीब। टिके भल भाव जीरा फुटे गला परे मुझे गोटे बड़ साइज़ रो प्याज को तादरे ऐड करची। प्याज को टिके हल्का भाजी नेबी। प्याज 30-40% भाजी होगा परे मुझे नहीं ची अदा रसुण आ कंचा लंका को छेचिकी नहीं ची। आपण मध्ये छेचिकी नेबे, एथरे बट्टा यूज करिवेनी, बट्टा अपेक्षा छेचारे एथरे भल टेस्ट आसीब। तो ये अदा रसुण रो स्मेल जीवा पर्यंत ताको टिके भाजी नेबा। अदा रसुण हल्का भाजी होगा परे एटी देखंतु मु दुईटा मीडियम साइज रो आलू को छोटो छोटो टिके मोटा मोटा करके काटि नै छी ताको ऐड कर देबी। आलू देहरे मु स्वाद अनुजाई लूनो ऐड कर देबी आउ हाफ चम्मच हल्दी गुंड ए सब को ऐड कर देकी मु आलू को मसला सहित भल भाव भाजी नेबी। किछि समय आलू को मो मीडियम फ्लेम रे गोटे मिनिट पर्यंत भाजी नहीं ची। गोटे मिनिट भाजी सरला परे मु एठे नहीं ची गोटे मीडियम साइज रो बैगन ताकू ऐड कर देबे। आ भल भाव आलू बैगन को मु भाजी नेबी, घोड़नी लगे लगे ही भाजी नेबे। गैस रो फ्लेम को मीडियम रे रखी थे, एबे घोड़नी लगे नबा। आलू आउ बैगन को मु किछि समय भाजी सल्ला परे एटी ता धरे ऐड कर देबी हाफ चम्मच बापर काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भल कलर पाई आउ हाफ चम्मच धनिया गुंड। ए सब को मिसेई देकी जे भल भाव रे आउ किछि समय भाजी नबा। गैस फ्लेम को मीडियम रे रखी थे, नहले हमर मसला जळी जीवो। एबे घोड़नी लगे देबा आउ दुई मिनिट पाई आउ आलू आउ बैगन को सीझिबा पाई छाड़िबा। दुई मिनिट परे मु आपन को घोड़नी खोली के देखौ छी। देखंतु आलू आउ बैगन भल भाव रे सीझि जाई छी। ए स्टेज रे आमे कोन करिबा ना जो सोरिष फूल नैथिली मु ताको धोई के भल भाव रे स्ट्रेनर रे गुटे छाणी के रखी छी, जेंती बिल्कुल भी पानी न रुहे। एबे से सोरिष फूल सब को ऐड कर देबा आउ भल भाव रे आलू बैगन सहित मिसेई नबा। एमती डेम्फ सहित ही यूज कर देबे सोरिष फुल को। सोरिष फुल तार कड़ई रे ऐड हेला मात्रे ही बढ़िया बासना आसुची सोरिष फुल देहरु। आपण माने आशा करबी निश्चय थरे एमती प्रोसेस रे घरे बनांतु सोरिष फुल रे रेसिपी। सोरिष फुलटा मऊली जाऊँ बहुत जल्दी तेणु आपण ताको लास्ट रे ही यूज करिवे। भल भाव रे सोरिष फुल को मिसेई नै के गोटे मिनिट पई गैस रो फ्लेम को स्लो रे रखी के घोड़नी लगे देबा सिझिबा पई। गोटे मिनिट परे देखन देखि परथबे सिझि गलानी। आउ एथिरे आमे कौनसी प्रकार गरम मसला यूज करिवानी किंबा धनिया पत्र कसूरी मेथी पत्र यूज करिवानी, कहीं ना सोरिष फुलर फ्लेवरटा पलैब। तो सोरिष फुलर फ्लेवरटा को रखापी आम कौन प्रकार गरम मसला यूज करिवानी। एबे रेडी होगा आमर सोरिष फुलर टेस्टी रेसीपी। एबे आम गैस फ्लेम को बंद करदे। रेसीपीटी को आपण भात पखाळ मुढ़ी रुटी सबुथिरे खाइपरिबे आउ दरकार ठारु अधिका मध्य खाइपरिबे, कहीं ना बहुत ही टेस्टी आइटम एटा।
तेणु मुझ निश्चय चाहिए आपण मैंने थे यही प्रोसेस घरे बनातु खातु कहीं सोरस फुलटा खास करके डिसेम्बर आउ जनवरी मेसरे ही मिले तेणु ये सोरस फुलर समयटा को बिल्कुल भी मिस करूनि सोरस फुल घर को आणतु आउ खातु आशा करेसीपीटी आपको निश्चय पसंद आदि पसंद आए प्लीज लाइक करदे सेयार करदे आउ सब्सक्राइब करदे जदि सब्सक्राइब करना तेल सब्सक्राइब कर दिंतु तो पुणी देखा आउ गोटे नुआ रेसीपी सहित रहुची नमस्कार जय जगन्नाथ।